तरफ उत्तर भारत और दूसरे इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं सिक्किम में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं अमेरिका में भी कई शहरों में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। सिक्किम भारी बारिश की मार झेल रहा है। कई जगहों पर भूस्खलन होने से मुसीबत बढ़ गई है। कई रास्तों का संपर्क आपस में टूट गया है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जमीन खिसकने से तबाही मच गई। सिक्किम के मंगन इलाके में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। बारिश आफत लेकर आई। एक जगह पर तो पुल बहता हुआ दिखाई दिया। लोग खड़े खड़े अपनी आंखों के सामने बर्बादी की तस्वीर देखते रहे। पुल का एक हिस्सा बारिश की वजह से बह गया। जमीन खिसकने की घटना मंगन के अलावा दूसरे कई इलाकों में भी हुई। कई जगहों पर सड़कें बह गई, जिसमें सैलानी भी फंस गए। तीस्ता नदी में पानी का लेवल बढ़ने से आसपास के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। कई घर, यहां तक कि गाड़ियां भी तबाह हो गई। तीस्ता नदी का पानी बढ़ने से नदी के किनारे बने कई मकान उसकी चपेट में आ गए। पानी ने कई घरों को अपने आगोश में ले लिया। सिक्किम का मंगन शहर तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए बारिश के बाद यहीं ज्यादा नुकसान हुआ। सिक्किम में बारिश का असर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी देखने को मिला। सिक्किम में कुछ लोगों की मौत की खबर है तो कई लोग लापता भी बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अम्बिथांग में 3 लोग लापता हो गए। पक्षेप में 1 शव मिला तो वहीं 2 लोग लापता हैं। इसी तरह गेथांग में 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तीस्ता नदी के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। SDRF की टीम को राहत और बचाव के लिए लगाया गया है। वहीं अमेरिका में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फ्लोरिडा में बारिश के बाद शहर के शहर पानी की चपेट में आ गए। सड़कों पर चल रही गाड़ियां आधे पानी में डूबी हुई नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक फ्लोरिडा पर कुदरत की ये मार आगे भी जारी रह सकती है। अगले 3 दिन फ्लोरिडा में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस वक्त अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आज से फ्लोरिडा में भी मैच होने हैं, लेकिन बारिश की वजह से 3 मैचों पर खतरा मंडराने लगा है। कल भारत और कनाडा का मैच भी फ्लोरिडा में ही होना है, लेकिन बारिश खेल खराब कर सकती है। इस तरह के मौसम की शुरुआत को हरिकेन सीजन कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह का फ्लैश फ्लड जलवायु परिवर्तन का नतीजा है और फ्लोरिडा में ऐसी बाढ़ लोगों ने पहले नहीं देखी। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश चिली में तूफान की वजह से हालात खराब हो गए। बारिश और तूफान की वजह से कई घर चपेट में आए। एक घर तो हवा में उड़ता दिखाई दिया। पहाड़ी पर बना घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ आ गई। सड़कों पर पानी घुटनों तक भरा हुआ है। सड़कें तो पूरी तरह गायब हो गई हैं। कई घर पानी में डूबे हुए हैं। राहत और बचाव टीम रेस्क्यू का काम कर रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नाव की मदद से लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि बाढ़ की वजह से 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। चिली की राजधानी सेंटियागो समेत दूसरे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।